हैंड स्टैंड इज जिमनास्टिक और कैलिस्थेनिक स्किल जिसमें आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और आपकी बॉडी का बैलेंस यूज़ होता है। लेकिन गाइस अगर आप एक बिगिनर हो या आप अपने हैंड स्टैंड को और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आज की आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 3 मास्टर टिप्स दैट विल हेल्प यू टू अचीव अ प्रो लेवल हैंड स्टैंड। तो विदाउट फर्दर डिले गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, बिल्ड योर कोर स्ट्रेंथ। गाइस एक स्ट्रॉन्ग कोर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंट्रोल इन योर हैंड स्टैंड। तो गाइस इसी को फोकस करते हुए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आपको रेगुलर बेसिस में करते रहना है, जिससे कि आपकी कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके हैंड स्टैंड में भी होल्ड अच्छे से आ जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज गाइस होने वाली है वो है हॉलो बॉडी होल्ड, जिसमें आपको अपनी बॉडी को आपको अपने पीठ के बल लेटना है और अपनी बॉडी को और लेग्स को ऊपर लाना है और एक वी शेप बनाना है और अपनी कोर को स्ट्रेच करना है, जिससे आपकी कोर में थोड़ा पेन होगा लेकिन आपकी कोर में बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है प्लैंक्स। गाइस प्लैंक्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हैंड स्टैंड के लिए, क्योंकि उससे आपकी कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में बैलेंस आने लग जाएगा। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस अगेंस्ट अ वॉल। गाइस स्टार्टिंग में अगर आप हैंड स्टैंड सीख रहे हो या आप अपने हैंड स्टैंड में होल्ड नहीं ला पा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में वॉल के सहारे इसको कर सकते हो, जिसमें आपकी बैक फेस करेगी टूवर्ड्स द वॉल और गाइस आपको उसको कुछ सेकंड्स तक होल्ड रखना है, वहाँ पे उस पोजीशन में होल्ड रहना है और उसको रेगुलर ट्राई करने के बाद फिर आप ज़मीन में ट्राई करोगे तो आपका होल्ड अच्छे से आने लग जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन योर बॉडी अलाइनमेंट। गाइस हैंड स्टैंड करने के दौरान आपको अपनी बॉडी बिल्कुल सीधे रखनी है 90 डिग्री और आपको अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट करके रखना है, जिसके में आपको अपने हैंड फिंगर्स को ज़मीन में प्रेस करना है, जिसकी आपकी बॉडी में कंट्रोल आएगा और साथ साथ अपने शोल्डर्स को भी टाइट रखना है हैंड स्टैंड करने के दौरान और कोर को भी टाइट रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल सीधे रहे, आप इधर उधर गिरो ना। गाइस लास्टली मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये स्टेप्स आपके कोई काम नहीं आने वाले और दुनिया में आपको कोई भी कुछ बता दे आपको वो काम ही नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉप पे रहेगा, उसके बाद ये टेक्निक यूज आएंगी। ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 मास्टर टिप्स बताई जिससे कि आप अपने हैंड स्टैंड को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आपको हैंड स्टैंड बिल्कुल डिटेल में सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो और हैंड स्टैंड को बिल्कुल डिटेल में सीख लो। और तब तक मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय। लाइक कर देना वीडियो को और साथ साथ।